everyone and please welcome the sizzling, the sexy Shweta Tiwari on Ambuja Cement Presents Comedy Circus ka naya daur. अब नया दौर है तो एंकर भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आ गई हूँ. हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि दिलेर जी नहीं है, ये तो सोहेल के लिए था. प्लीज वेलकम सोहेल खान. और जिनकी हंसी के आगे अमेरिका का मिसाइल भी फीका है, प्लीज वेलकम अर्चना पूरन सिंह. हमारा आज का एपिसोड है इमेजिनेशन स्पेशल. सोहेल को तलाश है उन धुरंधरों की जिन्हें वो अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे. ये कॉमेडी सर्कस है और यहाँ जीतना इतना आसान नहीं है. अब मुझे ही देख लो, तीन तीन बार हारने के बाद अब एंकर बन गई हूँ. कॉमेडी सर्कस पहुंच चुका है इमेजिनरी की ऐसी ही एक दुनिया में जहां सब कुछ इमेजिनेशन में होता है. तो आप भी इमेजिन करते रहें और देखिए ये मैजिकल परफॉर्मेंस. आज की सनसनीखेज खबर, मिस्टर विपुल शाह कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर कर रहे हैं पगारों का भुगतान. कॉमेडी सर्कस के स्टूडियो में खलबली मच चुकी है, जश्न का माहौल है. अर्चना जी ये रिलैक्स, आप कैलकुलेशन शुरू मत कीजिए, ये सिर्फ इमेजिनेशंस में होता है. रियलिटी में विपुल सर पैसे नहीं देते हैं, आप जानती हैं. तो भी इस ब्यूटीफुल इमेजिनेशन को लाइव टेलीकास्ट करने आ रहे हैं हमारे इस देश के नंबर वन जोड़ी सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड कृष्णा एज विपुल शाह. हेलो, हाँ निकुल, हाँ गांडा, हाँ शू छे, हाँ शू छे, चप्पल नहीं शू छे. बात समझ नहीं आई यार निकुल, वो जो एग्रीमेंट मैंने दिया था अर्चना का अंगूठा लगवाने के लिए, तुमने उस पे पांव का अंगूठा क्यों लगवा लिया यार? हाथ का ही अंगूठा है, इतनी बड़ी अंगूठा छाप है ये, क्या कहती पेमेंट बढ़ाओ? हाँ एक काम करो, पेमेंट मांग रही है ना, तो दो की जगह मुंह में पांच बड़ा पाव फेंक के मार देना. अरे नहीं मैगसे नहीं मानेगी, सुनो नहीं मानेगी ना तो फिर हम वो वाली बात परमीत को बता देंगे. अरे अरे वो वाली नहीं, उसमें मैं था, मैं अर्चना की बात कर रहा हूँ. कैसा भांग जाए तू निकुल, गांडा मारी नाखीस तोड़ी नाखीस भुक्को करी नाखीस. सॉरी अर्चना जी, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हूँ. हाँ अरे अर्चना की वो वाली बात, वो जो वो रात को देखा था ना होटल के बाहर, रात को खड़ी नहीं थी होटल के बाहर. हाँ वही वही, मूछे लगा के दरबान बन के खड़ी थी ना होटल के बाहर. यहाँ तो साला लाफ्टर देती नहीं है, वहां 10-10 रुपए टिप में लाफ्टर दे रही थी. क्या ये वाली बात परमीत को पता है? अच्छा तो कोई बात नहीं, फिर वो वाली बात बता दे. अरे वो वाली जो शूटिंग के पैकअप के बाद वोडाफोन स्टोर के बाहर 300-300 रुपए में जो जुजू बनती है. शख्स मैन, क्या ये वाली बात भी परमीत को पता है? क्या दूसरा जुजू परमीत बन के खड़ा होता है? देखो अब और तो कोई बात नहीं बची, अब हाथ जोड़ के प्यार से साइन करवा लो यार. अच्छा अरे वो दूसरे लड़के का क्या हाल है? अरे वही लड़का जिसको हमने सलमान खान के लालच में लिया है. हाँ हाँ, अगर सलमान आएगा 200-400 रुपए कम तो करवा ही देगा सोहेल. क्या एग्रीमेंट नहीं साइन कर रहा, पूरा पढ़ लिया क्या? निकुल गांडा मारी नाखीस तोड़ी नाखीस भुक्को करी नाखीस. साले तेरे को बोला था पढ़ा लिखा जज मत लेना, फिर भी नहीं सोहेल खानी चाहिए तेरे. माय गॉड, तू फिकर मत कर, अभी मैं शूटिंग पे पहुंच रहा हूँ तो वहां जाके सारी बात कर लूंगा. हाँ ओके ओके गांडा भाई. कैसी है? गंदे गंदे पंचों पर भी हंस रही. रखे अर्चना जी,
ये बेचारी बहुत अच्छी है, इसे कुछ समझ नहीं आता, ये शूटिंग पर सिर्फ मेरे लिए आती है। तू 5,000 रख। आज इमेजिनेशन स्पेशल है, और इससे अच्छा इमेजिनेशन क्या हो सकता है कि मैं खुद समझ गई, बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं खुद सबकी आज पेमेंट करने आया हूँ। देखते हैं आज कौन कौन अपनी पेमेंट लेने आता है। सर जी हाँ जी हो जाएगा हाँ जी क्या कॉमेडी सर्कस है? निकाल दिया। नहीं, देखो जी, पहली बार मैंने कॉमेडी का साइन किया था, फाइनल तक पहुंच गए, और क्या चाहिए। हाँ जी अब वही पुराना काम, प्रॉपर्टी डीलर। बाजी बहुत टाइम बहुत अच्छा चल रहा है जी, उसकी घड़ी निकाल, बड़ी कृपा है। हाँ जी ओके बाय। ओ नहीं, सर जी कुछ नहीं बोलिएगा आप। नहीं मेरी बात, नहीं कुछ नहीं बोलिएगा आप मेरी बात। नहीं अरे मेहमान भगवान समान होता, आप मेरे घर पर आए सर, मैं पहले आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ सर। अरे एक नहीं जैसे गिफ्ट थे। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसी घड़ी सेम मेरे पास है। आपके पास है? हाँ जी। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं ही रख लेता हूँ, आप नहीं जाने दीजिए। नहीं खैर, ये बताइए यहाँ आना कैसे हुआ सिद्धू पाजी? ये कमाल है यार, रब रखा कमाल कर रहे हो। सिद्धू भाई नहीं, मेरा नाम नहीं पता क्या? डीएम। अच्छा दिया मास्टर। ओ दिया मास्टर, इसी दिए ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। टुई मेरी पुई 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 हो गई। माय गॉड। एक तो भाई मैं यहाँ पे आया, मेरे को कहते हैं कॉमेडी सर्कस में कॉमेडी का जज बनाया, बाद में मुझे सिंगिंग वाले में ले आए शो में। आप यार बेइज्जती कर रहे हो मेरी, मैं जा रहा हूँ यार, कमाल कर दिया। मेरे पैसे दो। पैसे? हाँ जी। पैसे एक मिनट सर जी, आपके कुल मिला के होते हैं सर 2.5 लाख रुपए। चलो शुक्र है कुछ होता था। दो नहीं आपको हमें 2.5 लाख रुपए देने। ये क्या बकवास है? बकवास कुछ नहीं है सर। सर याद है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिख के कहा था, याद है, एक एपिसोड में सिर्फ 3 बार दिया जलाना। आपने हर एपिसोड में 400-500 बार ट्वीट 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 कितने दिए जलाए? एक मिनट, आइए सर, आइए देखिए, मैं आपको आइए सर, ये आप लाइटें देख रहे हैं सर, ये लाइटें, इन लाइटों का महीने का 3,000 का बिल आता है। आपके अकेले दिए का 37,000 रुपए का बिल आया है सर। 37,000 में तो दिया मिर्जा खुद आके जलने बुझने को तैयार हो जाए सर। लाइए सर 2.5 लाख रुपए, नहीं तो फिर केस। अच्छा तो आप मेरे को धमकी दे रहे हो? सर मैं गुजराती हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पक्का? हाँ तो रस्ते में मुझे बांद्रा छोड़ दीजिए। आइए बोलो, जाइए। हेलो। अच्छा निकुल, कमाल की बात है यार, तूने नोट तो बड़े अच्छे छपवाए हैं, बिल्कुल असली लग रहे हैं। वो अलग बात है, मैं जानता हूँ मैं तेरा मामा हूँ, तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर नोट में मेरी शक्ल छपवाने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ खैर, मैं सबकी पेमेंट कर दूंगा। श्वेता जी, ये लो तुम्हारी पेमेंट। रख लो। ओके। और ये एक्टिंग के लिए। नहीं, ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही हो? ये एंकरिंग के दिया मैंने। ओह अच्छा। ऐसे गंदे रिएक्शन दोगी तो लोग फिर गलत समझेंगे। हाँ। ये कृष्णा आने वाला था पैसे लेने के लिए, कृष्णा कहाँ चला गया? तेरी मगज था कि नका? ए बड़ी स्मार्ट लग रही है रे तू। हाँ जी। ए तू क्राउड में से उठ के यहाँ कैसे आ गई रे? ए अर्चना, ए कैसी हो? ए साल भाई, ए बेटा, लग रहा हूँ ना कृष्णा? क्या बात है, कृष्णा जी स्टार बन गए हैं सर। है बस एक बात कहूँ सर, ये शो जो है ना आप ही की वजह से चल रहा है सर। पर बाहर तो ये अर्चना जी एक बच्चे को मार मार के मना रही थी कि बोल, ये शो मेरी तरफ से चल रहा है। अरे खाक इनकी वजह से चल रहा है,
जो औरत अपनी लूना ढंग से नहीं चला पाती शो खाक चलाएगी। लेकिन कुछ भी कहो, अपनी जवानी के दिनों में ये बहुत टैलेंटेड हुआ करती थी। अरे कोई टैलेंट नहीं था, जवानी के दिनों में भी सिर्फ दो ही टैलेंट था। एक तो अपने दांतों से बियर का ढक्कन खोल लेती थी और चलती हवा में एक ही तिल्ली से सिगरेट जला लेती थी, और कोई टैलेंट नहीं। इनको तो हमने स्टार बनाया। लेकिन एक बात कहूं कृष्णा जी, ये शो आप ही की वजह से चल रहा है सर। खाइए लड्डू खाइए सर। ये होता है प्यार विपुल जी के लिए, जोरदार तालियां। ये किस खुशी में? बस ऐसे सर, बाहर जमीन पे पड़े थे, मैंने सोचा आपको खिला। अरे पंच मारा है सर, मैं प्रोड्यूसर होकर पंच नहीं मार सकता। वही तो मैं, अरे मैं कभी भी जमीन से उठाए लड्डू आपको खिलाऊंगा, ये तो मैं कुत्ते के मुंह से छीन के लाया। अब ये बताइए कैसे आना हुआ यार कृष्णा जी? क्या हुआ सर? एक्चुअली क्या है ना, मेरे दादाजी की कल रात को डेथ हो गई। ओह हाँ जी, पार्टी करनी, थोड़े पैसे चाहिए सर। मेरी पेमेंट मुझे दे दो। अच्छा पेमेंट, हाँ मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ पेमेंट। एक मिनट, आपका अकाउंट तो खोल लूँ। ये कृष्णा। अरे ये तो अर्चना जी का अकाउंट खुल गया। सर किसी का भी खोल लो, देने किसने। नहीं। अच्छा सुनिए, आपकी पेमेंट है 2,40,000 रुपए। देखो आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी पेमेंट 40,20,000 रुपए है। 20,000 40 लाख नहीं है। आप नजर कमजोर हो गई ना सर। आप अपनी पेमेंट ले लीजिए, अब बाहर जाइए, ट्रक में पड़ी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, ट्रक में पेमेंट? वो 25-25 पैसे की चवन्निया है ना सर, वो ले लीजिए, लेकिन गिन लीजिएगा। ये तो बाद में लोग कहते हैं कि विपुल डी साहब पूरे पैसे नहीं देता सर। ए जल्द सियाना नहीं बनने का क्या? मैं चवन्निया वन्निया नहीं लूंगा, 1,000-1,000 के नोट लूंगा। अच्छा 1,000-1,000 के नोट लेगा? साले ऐप तो आजकल सारे चवन्नी वाले कर रहा है, तेरे को 1,000-1,000 के नोट चाहिए? देख सबसे ज्यादा लाफ्टर इसी पंच पे आया। देखिए आप पैसे दे दो, अगर आप हम गरीबों के पैसे नहीं देंगे, कलाकारों के पैसे नहीं देंगे, तो हम भूखे मर जाएंगे साहब जी। अरे कृष्ण क्या कर रहा है बेटा, ऐसा नहीं करते। अरे ऐसा नहीं करते, मेरे बूट गंदे हो रहे हैं यार। चाहे तुम लोग मेरी कितनी भी बदनामी कर लो, लेकिन मैं विपुल डीसा कभी अपने एक्टरों को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं कहता था ना, दिल के अच्छे है शक्ल पे ना जाओ। अपने प्यार से दिए तो खाऊंगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। टेस्टी है? बहुत टेस्ट है, और जहर का टेस्ट है। आपने मेरे को जहर दे दिया, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे पहचान लिया सर, आप सुदेश हो ना। अरे हमारी क्या जरूरत, हम कृष्णा को मार दे, हमें गोविंदा से पंगा लेना है। सर जी मैं सुदेश, और आपने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने इसलिए मारा बे, तू कृष्णा क्यों बन के आया? हाँ साले तू विपुल बन के क्यों आया? मैं बोला हूँ, वो कितने सालों से परमीत अर्चना बन के आ रहा है, मैं बोला हूँ। अगर परमीत अर्चना बन के आ रहा है तो फिर अर्चना कहाँ है? ये तबला बजा रही है सुरेंद्र बन के, नाम कमा रही है। तो फिर हमारा सुरेंद्र कहाँ है? वो एंकर बन के बैठा है श्वेता तिवारी। सुरेंद्र, अरे तो फिर हमारी एंकर कहाँ है? एंकर तो पिछले हफ्ते निकाल दिया कि एपिसोड था, जोरदार तालियां। अर्चना जी इतना खराब टाइम चल रहा है, मैं क्या बताऊं। साला विपुल बन के आया, फिर भी पैसे नहीं ले पा रहा हूं, ना दे पा रहा हूं। इतना खराब चल रहा है, मैं कल कीड़े मारने की दवाई लेके आया था, उसमें भी कीड़े चढ़ गए। क्या तो अब क्या करें? देख बात बताऊं, ये शो हमको बहुत प्यारा है यार। पेमेंट मिले ना मिले, हम 12 महीने ऐसे ही लोगों को हंसाते रहेंगे और प्यार देते रहेंगे, क्यों? ठीक है। तो जजेस, ये पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? पहले मैं पंखा दे दूं, इतनी ठंडी हवा बहुत सालों से नहीं मिली मुझे। अच्छा तो गर्म है, ये तो कभी हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। इंसान उड़ सकता है, हैं? ऑब्जेक्ट्स बात कर सकते हैं, इंसान अमर हो सकता है, लेकिन विपुल डीसा पैसे नहीं। नहीं। कृष्णा आपका स्टैंड अप बिगिनिंग में माइंड ब्लोइंग था। यू गेव मी सच अ स्टार्ट, यू नो आई नेवर हैड। ये कहाँ छुपे, पीछे छुपे थे? हाँ, पीछे। आई हैड नो आइडिया, बट एक मिनट को लगा मुझे वाकई में विपुल पैसे लेकर आ गए। तो मैं ऑलमोस्ट ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी शौक से। कृष्णा और सुदेश, वेलकम बैक एज अ टीम।
सोहेल जी, जिस प्रोड्यूसर की मुलाकात आपसे इस तरह हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हंस तो बहुत रहा था लेकिन ये डर की हंसी थी। कहीं है सच तो नहीं? कहीं है सच तो नहीं? डरिए मत, सच है। सच है, डरिए मत, सच है। आप जिस एनर्जी से काम करते हो मुझे थकान हो जाती है आपको देख के। मतलब फुल ऑन, यू गो ऑन एंड यू गो ऑन एंड यू गो ऑन एंड यू कीप दैट पिच गोइंग व्हिच इज फैंटास्टिक। और आपका ये एक और एक बात है कि आप डायलॉग डिलीवरी के साथ यू हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल मूवमेंट, योर बॉडी लैंग्वेज इज ऑलवेज देयर कृष्णा, व्हिच इज फैंटास्टिक। आप थकते नहीं हो यार, कमाल की बात है, व्हिच इज फैंटास्टिक। एंड सर, यू हैव कम इन एज दिलीप पाजी, और मैंने दिलीप पाजी के साथ काम किया हुआ है तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज समझता हूँ। सुपर्ब, सुपर्ब। ये है हमारे पुराने धुरंधर। और कृष्णा, तुम्हारी वजह से कम इमेजिनेशन में तो मुझे पेमेंट मिला। थैंक यू सो मच, अगले हफ्ते जरूर आइएगा प्लीज। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथों में होती है बाबू मुशाए। और जरा सोचिए, अगर मौत हो ही ना तो क्या होगा? क्या 200 साल की उम्र में मैं खुद को आईने में देखकर बर्दाश्त कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस सोच को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं हमारे नए टैलेंट माही और सूरी एज वेरियस कैरेक्टर्स। अरे ये उठाते कहां से हैं? हेलो, हाँ जी वैद्य जी। हाँ जी, कैसे हो वैद्य जी? हाँ जी, बस आपकी दवाइयों की वजह से आज 580 साल बाद भी मैं जिंदा हूँ। नहीं तो जितना मेरा कद है और जैसी मेरी हरकतें हैं, मुझे तो लोगों ने थप्पड़ मार मार के मार देना था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आपकी कद बढ़ाने वाली दवाई बड़ी अच्छी थी, मैंने अपने छोटे भाई को दी, उसका कद बढ़ गया। हाँ जी, आप खाली खुश है जी। हाँ जी, एक बात बताओ वैद्य जी, अगर बाल झड़ती हूँ तो कोई दवाई है आपके पास? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी छाती के सारे बाल झड़ गए हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, लिखो, एड्रेस नोट करो। ताजमहल के बाहर एक काली बिल्ली होगी, उसको जाके थप्पड़ मारो। क्यों, क्या मेरा सारा दूध पीगी वो? हाँ, काली बिल्ली के आगे दो चूहे होंगे और चूहे भागेंगे, बिल्ली उनके पीछे भागेंगी, आप उनके पीछे भागना। जिस बिल में जाकर चूहे घुसेंगे उसके साथ वाली बिल में मेरा महल है। ओके, वाह 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 अर्चना, 250 साल की उम्र में बड़ी खूबसूरत दिख रही हो। कोई झुरिया नहीं दिख रही चेहरे पे, कौन सी क्रीम लगाती हो? और हाँ, मेरी बात सुनो, अपनी क्रीम ना सुरेंद्र से दूर रखना। एक मिनट रुक जाओ यार, खाने का टाइम हो गया। एक्चुअली ना ये कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पे आइटम लोग फ्रेश रहती है। आइटम होना है फ्रेश। हाँ। देख रहा है। सोहेल भाई माफ करना, आप पे ध्यान ही नहीं गया। एक्चुअली ना मेरी इस साइड की नजर थोड़ी कमजोर है, इधर ज्यादा देखता हूँ ना। और आपको एक अंदर की बात बता दूं, ये आपके साथ अर्चना बैठी है ना, बड़ी डेंजरस है, इससे बच के रहना। कल ना मेरे साथ टॉफी के लिए लड़ने लगी, कहती टॉफी मैं खाऊंगी, टॉफी मैं खाऊंगी, टॉफी मैं खाऊंगी। बेचारा कितना अच्छा मुर्गा था मेरा, टॉफी सारा ही खा गई। सोहेल भाई क्या बताऊं तुम्हें, 580 साल का मैं हो गया हूँ, परेशान हूँ, मर नहीं रहा। अब तुम्हें ऊपर वाले को कहता कि ऊपर वाले मेरे को उठा ले, नहीं तो मेरा तेरे से विश्वास उठ जाएगा। उठा ले भगवान, उठा ले, उठा ले, उठा ले। मारोगे क्या? Excuse me. जवानी के टाइम में आती तो एक्सक्यूज कर देता, अब तो सूरी खुद फ्यूज हो चुका। मैं यम्मी हूँ। हाँ, वो तो देखकर ही पता चल रहा है, बड़ी यम्मी है। वो यम्मी नहीं, मैं यमराज की बीवी यम्मी हूँ। अच्छा, मेरे साथ मजाक? ए यम्मी, बनेगी सूरी के बच्चे की मम्मी? मेरा ऑलरेडी एक बच्चा है। यमराज की पत्नी होकर सिर्फ एक बच्चा? इसका मतलब अभी तक तुम्हारा किसी असली मर्द से पाला नहीं पड़ा। हो गया? हाँ, हो गया, हो गया। ये एड्रेस बता। हाँ जी। 580 लंबा पुल चौड़ी गली ऊंचे तिल्ले वाला मकान 2/3 सूरी, ये तेरा है? नहीं, बीच वाला मेरा बट्टा।
सूरी। मतलब? मतलब ये है, मेरी बात सुनो, हमारी ना बहुत लंबी फैमिली थी, आधे इधर बट गए, आधे इधर बट गए, सारी प्रॉपर्टी बट गई, मेरे हिस्से बटा ही आया। अच्छी तरह से देखो, यहाँ तक सूरी का ध्यान जाता है, अच्छी तरह से देख रहा है। थप्पड़ मारूंगी। थप्पड़ से डर नहीं लगता मैडम, प्यार से डर लगता है। थप्पड़ मारा सूरी को? थप्पड़ मारा? जाओ, तुम्हें माफ किया। यमराज की बीवी के साथ फ्लर्ट करता है। यमराज की बीवी? यमराज की बीवी बोलने जा रही है, उसने इसको खुद इधर भेज दिया, ऊपर चुड़ैलों के साथ रख लिया, बना रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं है, यमराज भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, कोई बंदा नहीं है उन्हें उठाने वाला। उठाने वाला बंदा नहीं है? मेरे को बोलो, मेरे पास आदमी है। कौन? हमारे शो का प्रोड्यूसर विपुल शाह। वो उठा लेते हैं? हाँ जी हाँ जी, उठाने के मामले में बड़ा तेज है। लैरी यहाँ से गया था दूसरे शो में, चलते एपिसोड में उठा कर ले आए। फिर अब शेखर को क्यों नहीं ला पाए? शेखर को तो खुद यहाँ से उठा कर वहाँ भेजा। तुम टेंशन ना लो। मैं हूँ ना। टेंशन कैसे ना लूँ, तुम लोग 500 साल के होके मरते नहीं हो, ऊपर काम ही नहीं है। हाँ वो तो मैं कब से देख रहा हूँ, ऊपर वालों के पास काम ही नहीं है। हंसी जा रहे। अच्छी बात। ऊपर वालों की छोड़ो, ये बोलो तुम्हें मौत क्यों चाहिए? क्या बताऊँ, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी टेंशन में हूँ मैं। अर्चना जी, 1000 साल की मेरी मम्मी है और 1400 साल की मेरी दादी है, दोनों में लड़ाई होती रहती है। अब हिसाब लगा लो, अंग्रेजों ने तो 300 साल बाद हमारे देश को आजाद कर दिया था, पर मेरी दादी ने मेरी मम्मी को आज तक नहीं याद किया। ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम मरना क्यों चाहते हो? ये इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे पास। अभी परसों की बात है, मेरे 2100 साल वाले परदादी ने मेरे 1700 साल वाले डैडी को जाकर थप्पड़ मारा। कभी चिंटू तुम्हें कितनी बार कहा कि बरामदे में मत खेला कर। और तो और, एक दादा मेरा आदि मानव के टाइम का है, वो बोलता नहीं है, बोलता कुछ नहीं है, हमारे एक्सप्रेशन नोट करता है बांदर कहीं का। अभी परसों की बात है, मेरे पापा ने मेरी मम्मी को पप्पी की ना, तो उसने भी जाकर पप्पी कर दी। उस बात से जाकर क्लेश पड़ गया जी। अब देख लो भाई, पानीपत की लड़ाई में 350 लोग थे, पर हमारे घर की लड़ाई में 1350 लोग थे। बस इसी बात की टेंशन है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो ना। एक काम करती हूँ, चल मैं तेरे को शेर के आगे फेंक देती हूँ। एक मिनट रुको, शेर के आगे फेंक देती हूँ? शेर के आगे भी गया था मैं, शेर को मैंने बोला जाके मेरे को खा लो, कहता चल बे मैं प्रॉन्स नहीं खाता। ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं तुझे मार दूंगी। पक्की बात है, मार दोगी ना? हाँ पक्की बात है। चलो मरना तो फाइनल हो गया, बस अब एक बात फाइनल है, मुझे मारने के बाद तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना होगा। दो बातें क्या? एक तो मेरे मरने के बाद मेरा छोटा भाई खली रोए ना। अब नहीं रोएगा। और दूसरी, अगर वो रोए तो तुम खुद उसको अपनी गोदी में बिठाकर चुप करवाना। ये कैसा दी एंड है? एंड नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा भाई तो खुश हो गया ना। वैसे भी हमारी शो में शुरुआत है, हमें अभी एंड करने की जरूरत नहीं है। हो गया ना एंड? हो गया। चलो सोई भाई, ताली बजाओ। My God, well I imagine about the heights here. Anyways, आप लोगों का क्या कहना है? अर्चना जी, Now that you're standing next to Mahi, Shweta, I realize कि सूरी और माही की अच्छी जोड़ी जमी है। मैंने हमारे inaugural episode में ही कहा था कि सूरी you pack quite a punch. आपको अगर सही मटेरियल दिया जाए, यू डिलीवर इट वेरी वेल। माही यू कॉम्प्लीमेंट सूरी एंड ही कॉम्प्लीमेंट्स यू वेरी ब्यूटिफुली। ये एक और जोड़ी है विच इज वेरी प्रॉमिसिंग, एंड आई एम श्योर दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सूरी को ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं, बिकॉज एक अनोखापन है आप में, एंड माही यू एंड ही आर गोइंग टू मेक अ वंडरफुल टीम। थैंक यू सोहेल जी। मुझे यहाँ से जोड़ी नहीं, मुझे यहाँ से सीढ़ी लग रही है। सॉरी, आई टेल यू वन थिंग, पहले तो मतलब स्टेज पे 12-13 मिनट एक ही फ्लो में सब लाइनें बोलना, तो ऑब्वियसली यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यू कांट कीप पीपल लाफिंग फॉर 12-13 मिनट्स, मतलब हम लोग मर जाएंगे अगर हम लोग 12-13 मिनट तक हंसे। सो ऑब्वियसली एक पंच को एस्टैब्लिश करने के लिए एक थोड़ा लो होना चाहिए, वो हमारी फिल्मों में भी होता है, जो हम लोग 2-2.5 घंटे में लिखते हैं आपको वही चीज़ समन करके आपको 12-13 मिनट में डिलीवर करनी पड़ती है। I think that you all are the most mismatched couple which make the best pairing here. Thank you sir. तो मैं अर्चना जी से जानना चाहूंगी कि इस नए टीम टैलेंट को कौन सा लीडर मिलेगा? मैं तो ये देख रही हूँ कि आप लोग नए हैं सो कॉल्ड, लेकिन आप
इतना जम के काम कर रहे हैं कि आपको किसी की जरूरत है, बहुत मुश्किल पड़ गई है. तो वी हैव टू थिंक एंड कन्फर्म ऑन दिस. सोहेल और मैं बातचीत करेंगे एंड वी विल कम टू सम काइंड ऑफ कंसेंसस. लेकिन एपिसोड के एंड आप लोगों को तो बहुत अच्छे कमेंट्स मिल गए हैं. आई एम श्योर अगली बार मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे. तब तक के लिए जरा सोचिए क्या होगा अगर सुरेंद्र बन जाए द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. तब तो सबसे पहले कमबख्त मुझे ही फंसाएगा. और सोचिए अगर इस क्रिएटर को मिल जाए इसके बेटे गोलू का साथ, तब तो हमें सिर्फ सुरेंद्र भरोसे ही रहना पड़ेगा. हे भगवान, नहीं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती. सो प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज सुरेंद्र एंड भारती एज गोलू. अब आप सोचेंगे कि ये तबला मैं कॉमेडी सर्कस के सेट पे बजा रहा हूं. नहीं, मेरे आजू बाजू देखिए, मैं एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हूं. लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूं? लगता है आप अपने पुराने बॉयफ्रेंड किंग कॉन्ग से मिलने आए हैं. लेकिन प्रॉब्लम तो मेरा चल रहा है. मैं सबका भला करता हूँ लेकिन मेरा कोई भला नहीं करता. परसों तो मंदिर में मेरी बेइज्जती हो गई. मैं शूज निकाल के अंदर जा रहा था तो पंडित बाहर आया, बोला साले कौन से साल के मोजे पहनता है, भगवान को मंदिर से बाहर निकालेगा क्या. लेकिन आज आज मैं उसी भगवान की पूजा करूंगा पूरा एक घंटा. भगवान प्रसन्न हो जाओ. भगवान प्रसन्न हुए. लाइफ में मुझे दो ही चीजें पसंद है, एक तो हेल, दूसरा सो हेल. सो हेल मेरा पहला क्रश. मैं शैतान हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता नहीं हूँ. लेकिन मैंने तो भगवान की पूजा की थी, आप कैसे आ गए? भगवान ही आने वाले थे लेकिन उन्होंने दूर से देखा कि तुम तो मुझे भेज दिया. कहने लगे जा, तेरा क्लाइंट है. अबे ओ, ये तूने अपनी छाती पे चश्मा क्यों लगाया है? शैतान पाजी, ये हैंडसम बंदा सबको दिल की नजर से देखता है. लेकिन शैतान पाजी, मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, आप किसकी पूजा करती हैं? डोली बिंद्रा. बाप रे बाप. मांग क्या मांगता है? हाँ. मैं सब कुछ दे सकता हूँ. हाँ. दौलत. हाँ. शोहरत, हकूमत, पैसा. हाँ अब्दुल भाई. अरे क्या यार, बीड़ी का 300 रुपया दे दूंगा मैं. अरे जुबान की भी कोई कीमत होती है ना अब्दुल भाई. अब क्या घड़ी घड़ी फोन करता है तू? रख हाँ, पैसा, शोहरत, दौलत सब कुछ दे सकता हूँ मैं. वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये अब्दुल भाई कौन है? अरे वो पान की तो. मैं तुझे वरदान दूंगा तो तू मुझे क्या देगा? मैं भी आपको वरदान दूंगा. आप मुझे 4 देना, मैं 1 वापस दे दूंगा.
ये देख, तपस्या करता करता कितनी ऊंचाई पे आ गया, नीचे देख कितनी गहराई है। What a view यार। ओ व्यू छोड़ो पाजी, चलो मिलके थूकते देखते देखते पहले किसकी थूक पहुंचती है। जितना गंदा सुरिंदर तुम कर रहे हो, एक्ट के बाद वो दोनों थूकेंगे। वरदान मांग। शैतान पाजी, मुझे एक सुंदर सी लड़की चाहिए। मिलेगी। अगर तू मुस्लिम है तो कैटरीना, हिंदू है तो बिपाशा, क्रिश्चियन है तो जैकलिन फर्नांडिस। बोल, तेरा नाम क्या है? सुरिंदर अब्दुल डिसूजा। लाओ लाओ लाओ, तीनों लाओ, तीनों लाओ, तीनों लाओ। गफ्फार, अपनी इच्छा बतानी है, ठरक नहीं बताना। तो शशांक पाजी, मेरी बॉडी है ना सोहेल खान जैसी बनाओ। तेरी बॉडी सोहेल खान जैसी? अरे मेरी खुद की भप्पी लहरी जैसी है, तेरी कहां सोहेल खान जैसी बनाऊं? मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप? आंखें बंद कर। हाँ। दिख तो नहीं रहा? नहीं। पक्का? हाँ। ढिश बोलूंगा उस पे खोलना। हाँ। ढिश। हाँ। जादू जादू। ये जादू की छड़ी है। हाँ। इससे चाहे तू जो मर्जी कर सकता है। सच्ची? हाँ। नहीं यकीन आ रहा? हाँ। तो ट्रायल कर ले। ओके, छड़ी पाजी, छड़ी पाजी, शैतान पाजी को मुर्गा बनाओ। अबे ओ सारे, मैंने तुझे वरदान दिया। पक्का ये छड़ी सच में काम करती है। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। इस छड़ी से पूरा बदला लूंगा। जिसने जिसने बुरा बुरा सुरेंद्र कहा है, कृष्णा की तो इस छड़ी से इतनी बजाऊंगा, देखो आप। दबर 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 दबर। डैडी, डैडी। बिग बॉस विनर, देख लो, बिग बॉस जीत के भी कोई फायदा ही नहीं हुआ, पर डे कमाने तो इधर ही आई है ना। डैडी, बोलू। डैडी, आप हमें जोड़ के कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद हम कितने गरीब हो गए थे। रात को मिंटोस खाते थे, मिंटोस। मिंटोस? हाँ, घर की लाइट तो थी नहीं, कम से कम दिमाग की तो बत्ती जले। देखा अर्चना जी, बहुत टैलेंटेड है मेरा गोली, इतना टैलेंटेड है कि चावल में से कंकर ढूंढ ढूंढ के खाता है। डैडी, वाओ, डैडी, देखो, माय डैडी स्ट्रॉंग। यस बेटा, इतने प्यार से क्यों मारा? दबर दबर दबर। क्योंकि कब से ये तुमने चीज पकड़ी है खाने वाली? डैडी कैसे खाते सॉस? बेटा ये खाने वाली चीज नहीं है, ये छड़ी मुझे वरदान में मिली है, ये छड़ी से मैं पूरी दुनिया का हिसाब बदलूंगा। आई लव यू डैडी, आई लव यू। देखना अब सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। डैडी, अब आप लक्स साबुन लेने जाओगे और ऐश्वर्या आपके पीछे पीछे आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और आपको देख के गाना गाएगी, गंदे से भी गंदा लगे, सुरिंदर मेरा यार है। बस अर्चना जी, कभी घमंड नहीं किया। जी, बस खान ब्रदर्स की दुकान बंद, अब हम मेरा डैडी ही डैडी चाहेंगे। बोलू, मैं सारी दुनिया की हसीनों को मेरे कब्जे में कर लू। डैडी, कब्जे में बाद में करना, पहले अपनी कब्ज तो ठीक कर लो। चड़ी मेरे को दे दो। नहीं, मेरी चड़ी है। डैडी, कोलू को मना किया। दबड़ दबड़ दे। डिन 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 डिन। कोलू को मना किया। डैडी। Daddy! Daddy! Oh!
डैडी डैडी दौड़ 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 शैतान पाजी मेरा वरदान। कौन सा वरदान? मेरी चड़ी। कौन सी चड़ी? एक मिनट, इसका मतलब तुम चलते एक्ट में सो रहे थे, तुम सपना देख रहे थे सोते सोते। फिर ये कहता है मेरी बेइज्जती करते हैं, फिर कहता है विपुल ईशा चेक नहीं देता, फिर कहता है अर्चना मुंह खोल के हंसती है। अर्चना आंटी, एक्ट के बाद अच्छे कमेंट ना देना और चलते एक्ट में सोना, पांचा जीना को पसंद नहीं है। डैडी अभी तो मार्क दे दो। क्या बात है, क्या बात है। वैसे सुहेल जी, आपको हंसी तो आएगी क्योंकि आप सुरेंद्र के मामले में फंसे नहीं है ना अभी तक, इसलिए। वैसे आपको ये एक्ट कैसा लगा? एज अ परफॉर्मेंस यू ऑल वर फंटेस्टिक। मतलब यार सिद्धार्थ, यू आर सुपर्ब यार। और भारती, मुझे तो आपसे ये ताज्जुब होता है, क्या आप मतलब उस पिच पे शुरू करती हो और उसी पिच पे रहती हो? यू नो फिजिकली पीपल गेट टायर्ड, बट आई थिंक दैट यू मेंटेन योर पिच व्हिच इज फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस। अर्चना जी, हमारी थीम है इमेजिनेशन, एंड एज फार एज द थीम गोज, ये एक्ट बिल्कुल परफेक्ट बैठता है उसमें। बहुत अच्छा लिखा है, और हमारा जो ये नया दौर है, इसमें नए और पुराने का मिश्रण जो है वो मुझे लगता है बहुत प्रॉमिसिंग है। सो कंग्रेचुलेशंस। चलो, आप लोगों को कमेंट्स तो बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन स्कोरिंग अगले हफ्ते से मिलेगी, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखते हैं अगले हफ्ते से क्या होता है। प्लीज नारी बन गई अत्याचारी, अंकिता पड़ गई कपिल पे भारी, कुदरत ने मारी ऐसी पलटी कि बेचारा कपिल करने लगा है उल्टी। नहीं समझे तो देखिए हमारा ये इमेजिनेशन। प्लीज वेलकम हमारी अगली लीडर जोड़ी, अंकिता एंड कपिल। हाय अल्लाह। टर्न टर्न। हेलो। हाँ पापा, एक खुशखबरी देनी आपको। क्या आपको भी उल्टियां हो रही हैं? अरे पापा, क्या करते हैं इस उम्र में? अच्छा लगेगा एक ही अस्पताल में आपका बच्चा और आपका पोता हो रहा है। नहीं, मतलब ठीक है लड्डू का खर्चा बच्चे का, लेकिन 20 रुपए के लड्डुओं के लिए मेरी जायदाद का जो 50% उसको जाएगा, उसका क्या? अच्छा अच्छा, उसकी वजह से नहीं हो रही उल्टी? दारू दारू पी ली थी तो वह मत पिया करो ना, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। हाँ, आपको खुशखबरी देनी थी। मैं डॉक्टर का फोन आया था, बता रहा था मैं कह रहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं डॉक्टर साहब खुद तो नहीं आए, क्योंकि उनका खुद का 6ठा महीना चल रहा है। हाँ बाबा, अरे बा, लगता है बड़ा होकर सेल्फिश निकलेगा, अभी से अपने बाप के पेट में लात मार रहा है। चलो ठीक है बाबा, फोन रखता हूँ, ठीक है, ओके बाय। अर्चना, एक खुशखबरी देनी है। तुम ताऊ बनने वाली हो। हाय रब्बा, तुम फिर पी के आ गई, कितनी बार का ज्यादा पिया मत करो, पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। अरे बाबा, मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इतना क्या काय को पी के आती हो? आंखें बंद कर, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। मुझे पता है कि वो खुशखबरी क्या है। क्या है बताओ? तेरे पीठ का पिंपल ठीक हो गया ना? अरे बाबा, पीठ का पिंपल नहीं, अभी तो वो तो और बड़ा हो गया उल्टा, स्कूल जाने लगा है। एक और खुशखबरी बाबा, डॉक्टर का फोन आया था, कह रहा था कह रहा था मैं पेट से हूँ। एक सेकेंड, लेकिन तूने तो मुझसे कहा था कि तू पंजाब से। अरे बाबा, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, इवन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई मीन आई एम प्रेग्नेंट। क्या? ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे क्यों नहीं तेरा बच्चा? भूल गई उस दिन जब तुम दारू पी के आई थी, मेरे को गुस्से में आके थप्पड़ मारा था, भूल गई, और मैं बेडरूम में चला गया था रोते रोते, फिर तुम मेरे को सॉरी फील करने आई थी, फिर तुम मेरे पास आई, फिर तुम मेरे और पास आई, तुम पास आती गई
और दिया बुझ गया। आई माँ, दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम्हें अभी से दर्द कैसे होने लगा? मतलब तुम्हें तो दूसरा है, तीसरा महीना ही होगा है क्या? अरे नहीं बाबा, वो वाला दर्द नहीं है, ये गैस वाला दर्द है। आई माँ, तीनों महीने मिल जाते तो गैस वाला दर्द हो रहा है बाबा। कितना बेवकूफ बनाता है तू। पिछले 4 साल से मुझे लड़के पे लड़का, लड़के पे लड़का, लड़के पे लड़का दिया जा रहा है। सुन, क्या? अगर इस बार तूने मुझे लड़का दिया ना, तो तेरे पेट में जितना गैस है ना, वो निकाल के तुझे जला दूंगी। हे भगवान, मैंने कैसे मर्द से शादी कर ली मुझे समझ में नहीं आता। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या मतलब? तो करने ना दूसरी शादी, किसने रोका तेरे को? मैं खुद तंग आ गया हूं तेरे से और तेरी ठरकी माँ से। इतनी ठरकी माँ तेरी गंदे गंदे इशारे करती रहती मेरे को। कभी कभी तो उसका मूड चेंज करने के लिए मेरे को 7:30 की न्यूज लगानी पड़ती, पता है? एक सेकंड। क्या है? मेरी माँ पर इल्जाम मत लगाना। क्यों? क्योंकि मेरी माँ देवी है। देवी? देवी? तेरी माँ देवी नहीं, देवा है, देवा, प्रभु देवा। इतनी गंदी तेरी माँ। कभी कभी तो मेरे को घर में अकेला देके साउथ इंडियन में प्रपोज करती, पता है? मेरे को बोल रही थी कल, नाड़ के अंदर किन्ना किन्ना एक कमरा जाड़ दे, उड़ दे, उड़ दे, पता है क्या? एक सेकंड रुक। क्या? तुझे पता है मैंने तुझसे शादी क्यों की? क्यों की थी मेरे साथ? सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ ने कहा इसलिए मैंने तुझसे शादी की, वरना तेरे पास था क्या? आज मेरी सहेलियों को देख, मेरी सहेलियों को कितना सारा दहेज मिला और तूने तूने मुझे क्या दिया पापी? एक बाप ने अपना जवान हट्टा कट्टा बेटा दान में दे दिया, और क्या चाहिए तेरे को? अर्चना बाबू, तुमने ठीक कहा था, इस औरत प्रधान समाज में हम मर्दों को पांव की जूती समझा जाता है, वो भी 50% सेल वाली। अबे मनहूस, कभी तो कोई अच्छी खबर सुनाया कर, हमेशा कोई ना कोई बुरी खबर सुनाता रहता है। कभी मुझे ये बताएगा तेरी रोटी जल गई, कभी बताएगा मेरी सब्जी जल गई, कभी बताएगा कि मेरे ससुर जी का चड्डा उड़ गया। अरे मतलब कुछ तो अच्छा सुना जिंदगी में। क्या अच्छी खबर सुनाऊं तेरे को मैं? क्या बताऊं मैं सिंगम में आ रहा हूं, मेरी क्या सुनाऊं तेरे को मैं? चुपचाप से हट मेरे रास्ते से। देख मैं जा रही हूँ 3 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर, समझा? ए, रुक रुक रुक, तेरा दिमाग खराब है? 3 महीने के लिए बाहर जा रही है? 2.5 महीने का तो शो है। और इसके बीच में बच्चा हो गया तो? अरे लेकिन बच्चा होगा कैसे? बच्चा तो अभी 2-3 महीने तक ही है पेट में। अरे बाबा आजकल वो टाइम नहीं रहा 9 महीने वाला, आजकल बच्चे बड़े तेज हो गए, पता है? मेरा एक दोस्त प्रेग्नेंट था, पता है? उसका बच्चा 4 महीने में हो गया था, पता है? 4 महीने? हाँ। कैसे? अरे बाबा कुछ नहीं, बच्चे बड़े चलाक होते हैं, आजकल वेट नहीं करते, पता है? मेरा दोस्त सो रहा था और बच्चा हो गया, उल्टा होता बाप को उठा के गया था, उठे पापा सुबह हो गई है। आप खाली दिमाग में लाओ कि बच्चा पैदा करना है, बच्चे हो जाते बाबा आजकल। आप प्लान करते हो सुबह बच्चा डाइनिंग टेबल बैठा खाना खा रहा था आपके साथ। ईमान दर्द हो रहा है। अल्लाह। अरे अरे एक मिनट, मैं तुझे कितनी बार कहा है तू अपने गैस का इलाज क्यों नहीं करा था बे? अरे बाबा इस पर गैस वाला दर्द नहीं है, प्रेगनेंसी वाला दर्द है। हाय अल्लाह। अरे एक मिनट, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। तेरा बेड़ा करके इधर मैं दर्द से मर रहा हूँ, तो डॉक्टर को फोन करने में लगी है। अरे बाबा डॉक्टर को बुला के ला जाके। हाँ, बुला के बुला के। हाय हाय सहेल जी, आपको क्या लगता है मेरे क्या होगा? लड़का होगा ये, लड़की होगी ये, मेरे जैसा कोई गॉड गिफ्ट। आपको पता है मैंने तो नाम भी सोच लिया अपना, अगर मेरे बेबी बॉय जो हुआ लड़का हुआ तो उसका नाम रखूंगा अर्चना, और अगर मेरा बेबी बॉय हुआ लड़की तो भी उसका नाम रखूंगा अर्चना। आप ही है जिन्हें बच्चा होने वाला है? नहीं नहीं, मैंने नाश्ते में फुटबॉल खा लिया था। अच्छा चलिए आप लेट जाइए। क्या काहे के लड़ते? मेरी बीवी कहाँ है पहले ये बताओ मेरे को। अरे आपकी बीवी को तो मैंने बाहर ही रोक दिया। बाबा आज क्यों रोका? उस दिन रोका होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। अरे हाय अल्लाह दर्द हो रहा है। हाँ अरे हाँ हाँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक फॉर्म भरना होगा जल्दी। काहे का फॉर्म भरना? तो दिमाग खराब है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, एडमिशन फॉर्म पहले से भर रहे हो काहे को? मैं उन बापों में से नहीं हूँ, बच्चा पैदा नहीं हुआ नर्सरी में डाल देते हैं। मेरे को भी डाला था मेरे बाप ने नर्सरी में, पता है? लेकिन नर्सरी वाले अगले दिन घर छोड़ गए थे मेरे को। क्यों? मेरे नर्सरी के सारे पौधे उजाड़ के खा। तुम अब चुप रहो और चुपचाप से लेट जाओ, मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करना है, आधे घंटे में तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। ए सुन, तेरा दिमाग खराब है? आधे घंटे में? हाँ। 10-10 मिनट मिले सबको कॉमेडी करने के लिए, उसमें भी 9:30 मुझे 30 सेकंड तुझे। अरे ये डेली सब नहीं, आधा घंटा तेरे को दिखाएंगे। इतने में नहीं, आजकल हाई टेक्नोलॉजी पता, बच्चा झटाक से पैदा होता है। अभी तेरे को मैं बच्चे की डिलीवरी करके दिखाता हूँ।
बधाई हो. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू. बेबी बॉय हुआ. ए छोटू कितना शरारती है, कितना शरारती है तू. हाय रब्बा, खुराक में कितनी मिलावट आ गई, बच्चे के बाल पैदा होते ही झड़ गए. ए सुन, वो दिख रहा ताऊ पीछे. अर्चू ताऊ को नहीं देखना. क्यों नहीं देखना बाबा, देखना अर्चू ताऊ को. नहीं देख, देख देख बिल्कुल. माँ भी गया है, माँ भी पहले गंजी थी. देखा अर्चना जी, अगर दुनिया में इस तरह बच्चे होने लगे तो दुनिया का क्या होगा. दुनिया की पॉपुलेशन वैसे ही इतनी बढ़ती जा रही है. तो अब एक काम करते हैं, इस इमेजिनेशन को इस कॉमेडी तक ही रखते हैं. अगर बच्चा माँ की कोख से 9 महीने बाद ही जन्म लेगा तो ही सही है. इससे कि माँ की ममता पूरी दुनिया में कायम रहेगी और माँ का प्यार बरकरार रहेगा. बच्चा कहाँ गया? वापिस. वापिस? हाँ, पहचान लिया तो उसने तुझे. बच्चे को पता चल गया डॉक्टर ही मेरी माँ है. ये रेनकोट पहन के आएगी तो बच्चा पहचानेगा नहीं क्या? बच्चा मेरे कान में पता क्या बोल के गया है? क्या कहता? मेरे नसीब फूट गए लेकिन मेरी माँ का एक पंच नहीं फूटा. मैं मजाक कर रहा हूँ, पागल बच्चा इधर ही है. ए अर्चू रखना बेटा इसका नाम. हेलो, इसका नाम शक्ल देख, शक्ल के साथ. ए बेटा उधर देख. नाम रखना इसका. नहीं ना, मेरी बात सुन, एक सलाह दूँ. मेरे साथ इधर देख, तू क्या देख रहा है इधर. मेरे हिसाब से इसका नाम 10-10 रख दे. 10-10? हाँ, जब भी आएंगे ना. तो अर्चना जी, क्या कहना है आपको इस प्रेग्नेंट मर्द के बारे में? बेस्ट इमेजिनेशन. मतलब मैं कितनी बार खुद ही इमेजिन कर चुकी हूँ कि आई विश आदमी को बच्चे होते और औरतों को ये सहना ही नहीं पड़ता, तब मर्दों को मालूम पड़ता कि व्हाट वेमेन गो थ्रू. लेकिन कपिल, अगर आप नुमा आदमी होगा तो फिर आई डोंट नो बच्चों का क्या हाल होगा. अंकिता, यू आर वेरी गुड, बट आई फील कि जो पिच कपिल की है, जो कपिल का ब्रांड ऑफ ह्यूमर है विच इज यूनिक, यू विल हैव टू अप योर क्वोशंट ऑल्सो. एंड अर्चना ताऊ की तरह से यही कहूंगी कि इस बच्चे का नाम जरूर आपको 10-10 ही रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज वॉट यू वुड हैव गॉट अगर मैं इस पर मार्क्स दे रही होती. वेरी वेल डन. तो सोहेल जी, आपको भी ये 10-10 का परफॉर्मेंस लगता है? सुपर्ब. But I just feel that, you know, by Ankita's concern, she's a great performer. लेकिन ये जो कपिल का जो एक्स टेम्पो है ना, वो आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते. दिस इज द बेस्ट इमेजिनरी एक्ट आई हैव सीन इन दिस एपिसोड. फैंटास्टिक. प्लीज अपना सीट ले ले. आप जरा सोचिए, क्या होगा अगर सुरेंद्र का तबला सीटी बजाने लगे? क्या होगा अगर अर्चना की कुर्सी बोलने लगे, अरे बस कर मेरी माँ, इतना बोझ नहीं सहा जाता. ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारी विशाखा के साथ. बिचारी, उसके घर की सारी चीजें कर रही हैं बात, क्या विशाखा समझ पाएगी उनके जज्बात? सो प्लीज वेलकम हमारा नया टैलेंट विशाखा एंड द वर्ल्ड फेमस इन मुंबई, मंत्रा. माननीय महोदय और अर्चना जी, मैं क्या बताऊं आपको. मैंने सुना है कि जिंदगी में जब किसी के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है. मैं तो खुद दरवाजा हूं, मेरा क्या होगा. और मैं जिस घर का मेन डोर हूं उसकी मालकिन इतनी मोटी है कि रास्ते चलते हाथी उसे देख कर कहते हैं, दीदी तुम यहाँ शहर में सलवार सूट पहन के घूम रही हो, जल्दी घर आ जाओ, सब बहुत परेशान है. 3 महीने से बंद करके गई है मुझे, ऐसी ऐसी जगहों पर जंग लग गई है कि मैं बता तो सकता हूँ लेकिन आप क्या कर लेंगे. समझदार को इशारा काफी होता है. और ये 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 लेटर बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ से रोज वो पोस्टमैन आके घुसेड़ के इतने सारे चिट्ठियां फेंक देता है. और अब आपसे क्या छुपाना, एक चिट्ठी इनकी भी आई थी सोहेल भाई की. अच्छा. हाँ, मैंने उसको ऊपर लिखा था, मैंने पढ़ा, टू विशाखा बेबी, नीचे फ्रॉम शुक्रवार रात वाला सोहेल. वो बेबी लग रही है आपको कहीं से? अरे उसे मार्केट में ले जाके खुला कराओ तो 4 बाबा निकलेंगे उसके अंदर से. बेबी.
अर्चना जी, कैसी है आप? वही मर्द या कुछ चेंज आया? और सोहेल, आज तुम फिर आ गए, इतनी अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें। अर्चना जी, शायद आपको पता नहीं, उस दिन मैंने सोहेल को फ्लाइंग किस दी थी, बदले में उन्होंने अपना मोबाइल मुझे गिफ्ट कर दिया। आज सुबह ही पूछने लगे, विशाखा बंगला गिफ्ट चाहिए। कितने दिनों के बाद घर लौटी हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये दरवाजे की चाबी ये रही। अरे खुल क्यों नहीं रहे? खैर जाने दो। अरे ए, 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 ए! अरे दरवाजा तोड़ के थोड़ी ना जा सकती है। अरे तुम बोल रहे हो? अरे मैं तो कब से बोल रहा हूँ, तुम सुन का रही हो? थी कहाँ? मैं वर्ल्ड टूर पे गई थी। वर्ल्ड टूर पे? अरे चंपा कली छाप, तू वर्ल्ड टूर पे जाएगी? अरे वर्ल्ड तेरे पे टूर पे आता है, बना किसको रही है? अरे सौर मंडल के 9 ग्रहों में से एक ग्रह लगती है ये। हाँ? कई बार तो दूसरे देश के वैज्ञानिक इसे मंगल ग्रह समझ पे इसे लैंड भी कर चुके हैं। अरे और ये नाभि है ना इनकी, इसको देख के बोलते हैं ओ माय गॉड, मंगल ग्रह पे इतना बड़ा गड्ढा। चुप कर, निकल यहाँ से। हाँ, हो गया मालूम है, मेरा हिस्सा खत्म हो गया, नहीं बनता तेरा दरवाजा, मेरे को पागल समझ रखा है। दरवाजा, बहुत थक गई हूँ मैं, चलो थोड़ा नहा लेती हूँ। पता नहीं लोग बिना नहाए महीनों महीनों कैसे रह पाते सुंदर। मुझे तो 28वें दिन पे खुजली शुरू हो जाती है। मुझे मालूम था तो पूरा बाथरूम उखाड़ देगी, मेरे को मालूम था। यू तो ये कौन बोला? यूं कि ये मैं बोला। पागल पीछे बाथरूम से बाहर ढंग से बाहर भी नहीं निकाल सकती। तू बोल रहा है? अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ, आईना हूँ, आईना देख भी सकता हूँ। क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं। आए का नहीं, तेरे बाथरूम का आईना हूँ, सोच क्या क्या देख लिया होगा। इसका मतलब? वैसे आप लोग ज्यादा खुश में तो ये देखने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। नहीं वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या इसका मतलब? जब मैं नहा रही थी तब तुम मुझे देख रहे थे? नहीं, जब तुम नहा रही थी तो मैंने आंखें बंद कर रखी थी। और सुनो, तुम्हें नहाते हुए देखने का शौक नहीं है? तुम जब नहाती हो ऐसा लगता है लोनावला की पहाड़ियों पर बारिश हो रही है। चुप कर, चुप कर, चुप, चुप, चुप। पागल, सब देख चुका हूं मैं। और इनको बताऊं सोहेल भाई, सोहेल इतना पानी वेस्ट करती है, क्या बताऊं, 2 बाल्टी तो इन्हें दांत मांजने में लग जाते हैं। हाँ तो 2 ही तो बाल्टी लगती है ना। अरे तो बाल्टी का साइज तो बता, ड्रम में हैंडल लगवाया इसने। और कई बार तो पेस्ट खा के ऐसे बुलबुले छोड़ती है यार। उस दिन छोड़े थे, लेकिन उस दिन मुझे सांप ने काटा था। सांप का ऐसा जबड़ा है तेरे को काट सके? सांप ने काटा था, क्यों काटा था? वो क्या है ना, उसने मुझे नहाते हुए देख लिया था और फिर भड़क के बोला आज तो मैं तुम्हें काशी जाऊंगा। पता है पहले मैं इस एंकर जैसे स्लिम ट्रिम हुआ करती थी, लेकिन सांप के काटने के बाद सूज कर फूल गई। हाँ, सूजन काफी कम हो गई, बैक टू नॉर्मल हो चुकी हो तुम अभी। चुप कर, चल हट, निकल यहाँ से, नहीं तो तेरा मुंह फोड़ दूंगी। अरे फोड़ना है तो पंच फोड़, उसी के मार्क्स मिलते हैं। चुप चुप चुप, निकल जा, हट। चलो देखते हैं फ्रिज में कुछ रखा भी है या नहीं। तू क्या देखेगी, मैं आ जाता हूँ, फ्रिज उखड़ के आ गया तेरे पास। तू भी शुरू हो गया? अरे मैं तो बहुत देर से शुरू हो गया हूँ, 3 महीने से बंद पड़ा हूँ। जो तू अंडे रख के गई थी ना अंदर, वो 3 महीने में बड़े होके चूजे हो गए। अरे काहे का स्वीट, वो पहले माले में जो चिकन करी रख के गई थी वो चूजे वहां जाके बोलते पापा 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 का कत्ल हो गया। पहले ये बता, अंदर जो बियर की बोतल रखी थी वो कहां गई? वो तो चूजे पी गए। क्यों? अरे उनका बाप मरा है, गम में पिएंगे नहीं। ये सोचो। और वो टमाटर, उसका क्या हुआ? टमाटर चखना समझ के खा गए वो लोग। अरे बियर पी गए, टमाटर खा गए, मैं क्या खाऊंगी? ये ले तू खा ले, ये मेरा ये पूरा का पूरा रख ले ऊपर। ये पीछे पीछे रखा है, हट। क्या करूं मैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो। अरे ये बेड छोटा कैसे हो गया? अरे सीधा लेट मोटी, सीधा लेट। आजा आजा, कोई नहीं, आजा। ए, कोई बाहर से नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ तेरा पलंग कुमार। अरे अब तू भी बोलने लगा? अरे मैंने तो क्या क्या नहीं देखा। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? थी कहाँ तुम इतने दिन से?
मैं तो तुम्हें क्यों बताऊं, तू होता कौन है? मैं होता कौन हूं? हाँ है, 2 साल मेरे साथ सोने के बाद बोलती है मैं होता कौन हूं? अबे ए सुहागरात वाले दिन ही टूटने वाले पलंग, तू चल जा यहां से, मुझे चैन की नींद सोने दे। चैन के साथ सोओगी अब तुम? चैन के साथ सोओगी? अभी कुछ दिनों पहले तक दिलीप था, दिलीप के साथ स्लिप होना था इन्हें, अब चैन के साथ सोना इन्हें। ये दिलीप के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे दिलीप छोड़, मुझे गौतम, पलाश, रोहन सबके बारे में अच्छी तरीके से पता हुआ है। और वो बताओ इनको, उस दिन वो मुकेश यहाँ पर आ रहे थे तो ये बड़ी खुश हो गई, ये फूले ना समाई, और जब ये फूले ना समाए तो मुकेश कमरे में ना समाए। चुप। उस रात पता है तुम्हें क्या हुआ था? मैं और मनोज यहाँ बैठ के रात भर इन दोनों ने मेरे ऊपर सांप सीढ़ी खेली है। मैं इंतजार करता रहा, अरे अब तो सांप काटेगा, लेकिन वो 99 पे पहुंचा ही नहीं। ऐसा थकेला था, 99 तक पहुंचा ही नहीं वो। कैसे पहुंचेगा, मैंने उसे कसके पकड़ के जो रखा था। मैं तो कब से कह रहा हूँ ये केवल देखने में किला है, असलियत में इसका कैरेक्टर ढीला है। चुप। जोरदार तालियां मंत्रा और विशाखा के लिए। भाई इस बोलते हुए सामान के साथ तो मुझे बड़ा मजा आया। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों को कैसा लगा। अर्चना जी, फॉर द कंप्लीट पैकेज विच वॉज अ लाफ अ मिनट रायट, आई हैव टू स्टैंड अप एंड गिव द फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन ऑफ दिस सीजन। मंत्रा, यू एंड विशाखा आर एन आइटम पार एक्सलेंस, ब्यूटिफुल। विशाखा आपने मेरा दिल जीत लिया, बोथ ऑफ यू। चलिए भाई, आप लोगों ने अर्चना जी का दिल तो जीत लिया। हम सुहेल जी से पूछते हैं कि सुहेल जी आप ऐसे घर में आना चाहेंगे विशाखा के साथ? बाप रे। अरे हूल किसको दे रही है, उसको दे दिया। जो मेरी पैदाइश हुई फिल्म इंडस्ट्री में, तो माय फादर इज अ राइटर एंड आई हैव गॉट हाई रिगार्ड्स फॉर पीपल हु आर मोर क्रिएटिव, बिकॉज क्रिएटिव के बाद जब कोई कुछ लिखता है उसके बाद एक्टर जाके उसको परफॉर्म करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग टू योर राइटिंग टीम, फुल जस्टिस। आई थिंक इट्स सुपर। आप प्लीज अपने सीट्स ले लें। थैंक यू। भाई वाकई कॉमेडी सर्कस की फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन पे कोई भी रोक नहीं है। जरा सोचिए, अगर सारे इंसानों के पर निकल आए तो इस सोच का क्या अंजाम होगा, उसकी झलक दिखाने आ रहे हैं हमारे नए टैलेंट। प्लीज वेलकम अथर एंड प्रिया। कमबख्त बुढ़ापा भी ऐसी चीज है, बताओ अब तो परों में भी इतनी ताकत नहीं रही, देखो कैसे लटके पड़े हैं। हाय, अब तो शरीर के किसी भी चीज में जान नहीं रही है। अर्चना जी, आप तो 50 के बाद के सारे दर्द जानती होगी। नहीं, अच्छा ये बताओ पर कहाँ हैं आपके? परमीत कैसे हैं? भाई लोग तो अपने परों से सिर्फ उड़ते हैं, लेकिन ये अपने पर से सारे काम लेती हैं, जैसे कपड़े धुलवाना, पोछा लगाना, चौकीदारी करना है? और सुहेल तुम्हारे पर? भाई इन भाइयों ने तो अच्छे अच्छों के पर काट दिए। भाई माफ करना, बूढ़ा इंसान हूँ है, पर समझ के कहीं कुछ और मत काट देना। मेरा मतलब है कि हाथ काट दिए तो बेटी का कन्यादान कैसे करूंगा। बेटी से याद आया, बेटी कहाँ है हमारी? एक तो जब से उसको पर लगे हैं पता नहीं कहाँ उड़ती रहती है, और ऊपर से आकाश में इतना ट्रैफिक हो गया है कि बस डर लगा रहता है। अमा यार ये कौन गंदगी फैला रहा है? अमा ये तो VIP है, है? बताओ जब तक ये इस शो में थे तब भी स्टेज पे ये गंदगी फैलाते थे, आज नहीं है तो सेट के ऊपर गंदगी फैला रहे हैं। अमा रुको यार, अमा रुक जाओ, हटो, अरे हटो। ऐसे क्या देख रहा है? आज मेरी आंखों में देख रहा है, कल मेरे पर देखेगा। आज मुझे नंबर दे रहा है, कल मेरा फोन नंबर लेगा। बोल, लेगा ना? But you know, आज तक मेरे परों को किसी ने टच नहीं किया। Still a virgin. पर अब्बू जान आजकल मेरी शादी के पीछे ही पड़े रहते हैं। बदमाश, लुच्चे,
24 घंटे छत के ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बताओ तुम कहाँ से उड़ के आई हो? अबूजान अपनी सहेली के घर तक गई थी। हाँ, सहेली के साथ घर घर खेल रही थी या लौंडों के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेल रही थी? हमें सब कुछ पता है। अरे हम तो उड़ती हुई लौंडिया के पर गिन लेते हैं। जितनी तुम्हारी उम्र है ना अब्बा, उस हिसाब से तो बचे हुए दिन गिनना बनता है। देखो बेटा, देखो देखो देखो, अब तुम्हारे पर पीले करने के दिन आ गए हैं, हैं? इन्हें काले मत करवा लेना। मैंने अपने लिए लड़का देख लिया अबू। हैं? हाँ। कौन है वो नाउराद? सामने ही तो बैठा है। कौन? अर्चना? अरे कसम से हमें तो इसके ऊपर शुरुआत से ही शक था। है? सारी लड़कियों को गंदी नजर से देखता था ये। आपने छोड़ूंगा इसको, छोड़ दो। हाँ। अर्चना नहीं, his name is Khan and he's not a terrorist. अरे इसमें ऐसा क्या देखा है? आखिर जोड़ी नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है? छोटी छोटी बातों पर हमेशा लगते रहते हो आप। तुम्हारा सुहेल के साथ लपू झन्ना चल रहा है, छोटी बात है, छोटी बात है। मेरी कहा थे ना, मेरी कहा थे ना सुहेल, मेरी कहा थे ना पूरी वाने की, मेरी कहा थे ना मुझे यहाँ से ले चलो। हमारे प्यार को यहाँ से बचने वाला कोई नहीं है। मेरी कहा थे ना सुहेल, अब सट आ गए। अरे सट आ तो सुन गई हो। देखो बेटा, आज से तुम्हारा उड़ना बंद। हमारा नुकसान करवा दिया। अब तुम बोलोगी कि मैं तो उड़ के रहूंगी अब्बू जान। हाँ अब्बू जान, क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनती। अच्छा अब्बू जान, अभी ना मैं लेट हो रही हूँ, यू नो सुहेल के अबू ने चाय पर बुलाया, चलती हूँ। अरे बेटा देखो, अरे देखो अर्चना भाई, क्या जमाना आ गया है। हमारे पूर्वजों को तो पूंछ मिली थी और बच्चों को पर मिले, हमें क्या मिला? घंटा भर हो गया अभी तक चाय नहीं मिली है। पंख ले लो, उठते हुए पंख ले लो, ताजा माल लेकर आई हूँ, पंख ले लो। अर्चना जी क्या माल है ये तो? अच्छा ये बताओ क्या करती हो तुम? यू नो आई एम सेल्स गर्ल। अच्छा सेल्स गर्ल, लड़कियां बेचती हो तुम? स्कूल नहीं गए लगता है, प्रोजेक्ट बेच रही हूँ। ये पंख कितने अच्छे हैं ना, ये देखो ये वाले जो पंख है ना। अरे ये तो बहुत छोटे हैं। ओहो, इन्हें जब पहनोगे ना तो इतनी ताकत आ जाएगी ना तुम में कि तुम उड़ते ही रहोगे। हैं? ओहो, हमें उल्लू समझ रही हो? हम इन्हें पहन के ऊपर उड़ेंगे, कहीं बरसात आ गई तो हम तो हेलीकॉप्टर बन जाएंगे। आज कयामत की रात है बुड्ढे, पंख तो तुझे लेने ही होंगे। बोल लेता है कि नहीं पंख, बोल। अम्मा ये तो हमारी बेटी की आवाज है जो अपनी अम्मी की आवाज में बोल रही है। सही पहचाना अबू, मैं तुम्हारी बेटी ही हूँ। हमेशा कहते रहते हो कि उड़ती रहती है, उड़ती रहती है। अब देखा मैंने कि तुम्हारी इन्हीं रंग रलियों की वजह से मेरी अम्मी तुम्हें छोड़कर उड़ गई थी। हाँ, मेरी अम्मी तुम्हें छोड़ के चली गई थी। अरे ऐसी मनहूस मारी है, अरे क्या क्या नहीं किया हमने उसके लिए। मेरी अम्मी के खिलाफ कुछ मत बोला। अरे क्यों नहीं बोलूं? है अर्चना भाई, मैं एक काम के लिए एक साल के लिए बाहर गया और इनकी अम्मी का अटम्मी बाहर आ गया। हमने पूछा भाई कि हम तो यहाँ नहीं थे तो ये सब कैसे हुआ? तो पता क्या बोलती है सुहेल जी, कि आप यहाँ नहीं थे, मैं तो यही थी। अब्बू जान, तुमने अब मेरी अम्मी के खिलाफ एक भी लफ्ज़ और कहा तो मैं तुम्हारे पर काट दूंगी। अरे काट दो हमारे पर, वैसे भी कौन सा, ये हमारे काम आ रहे हैं? रोज गोली लेते हैं फिर भी नहीं उठते हैं। ऐसा करो, सालों को काटो और इनकी इनकी बिरयानी बनाओ। मुझे नहीं खानी कौवा बिरयानी। तुम तो ऐसी नाराज हो जाती हो, हम कोई अकेले ही ठरकी थोड़े ही है। अब देखो बच्चन साहब, वो तो आज भी कहते हैं अरे भाई बुड्ढा होगा तेरा बाप। और छोड़ो, हमारे सामने जीता जागता एक हट्टा कुष्टा पुष्ट नौजवान बुड्ढा है अर्चना जी। अरे जिसके कहने पर इन्हें ये श्वेता जी को यहाँ बुलाया गया है, ये भी बहुत बड़े शौकीन है, है? ए श्वेता आओ ना जरा, है नहीं हमारी तरफ से जरा थोड़ा सा खुश कर दो ताकि हमें खुश खुश नंबर दे दे। आ ना, आ ना, आ नहीं हमारी थोड़ी सी भाई सिफारिश हो जाएगी, है? आ जा। वेल, इनकी इमेजिनेशन ने तो बहुत ऊंची उड़ान ली है वैसे। धन्यवाद। आपको क्या लगता है
अर्चना जी। अर्चना जी मत बोलो, अर्चना भाई बोलो। हाय हाय भाई, वो आर यू थिंग, आई लव यू अर्चना भाई। अथर एंड प्रिया, बोथ ऑफ यू आर अ डेडली डुओ। इतनी बढ़िया टाइमिंग है आप दोनों के बीच में। अथर, आपका इतना बढ़िया कमांड है स्टेज पर, फ्रॉम द टाइम आप स्टेज पर आए हैं और अभी तक आपने हिलने नहीं दी नज़र अपने से, और फिर सोने पर सुहागा प्रिया, आप में भी इतना ही टैलेंट है। बोथ ऑफ यू आर समथिंग टू वॉच आउट फॉर, एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, वेरी गुड। सोहेल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू हैव अ ग्रेट कमांड ओवर द लैंग्वेज, और जिसके पास कमांड है लैंग्वेज का, हाफ द बैटल इज वन। एंड आई थिंक योर डायलॉग डिलीवरी इज सुपर्ब हियर। आपके जो गेटअप है, आपके जो डायलॉग्स है, यू गाइज हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब हियर। मैं अपनी नई और पुरानी जोड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यहां स्टेज पर आ जाएं। इमेजिनेशन को ब्रेक लग सकता है, लेकिन कॉमेडी सर्कस में हंसी को कभी भी ब्रेक नहीं लग सकता। इन सबको मौका मिला है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने का, और अब सबको बेसब्री से इंतजार है कि किस लीडर जोड़ी को मिलेगा नया टैलेंट। वैसे तो सब जानते हैं कि जोड़ियां हमेशा ऊपर वाला बनाता है, और यहाँ हाइट के हिसाब से सबसे ऊपर आप दोनों बैठे हैं, तो आप दोनों ही बना दीजिए जोड़ियां इनकी। सोहेल विल स्टार्ट। मेरे हिसाब से भारती एंड सिद्धार्थ एंड माही एंड सूरी शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर। और मेरे हिसाब से जो दो जोड़ियां एक दूसरे को बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करेंगी हमारे इस नए दौर में, इज कृष्णा एंड सुदेश विद अथर एंड प्रिया। अब ऑब्वियस हो ही चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि तीसरी टीम भी आप बनाई दें। तो भाई विशाखा एंड मंत्रा एंड कपिल एंड अंकिता। अंकिता ये तीन धमाकेदार और कॉमिकदार टीम्स बन चुकी हैं, तो इन टीम्स के लिए जोरदार तालियां प्लीज। अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर में मुकाबला शुरू होगा अगले हफ्ते। नया टैलेंट और पुराने धुरंधर के मार्क्स जोड़कर होगा टीम की हार जीत का फैसला। कौन आसमान से गिरकर खजूर पर अटकेगा और कौन बनेगा लकीर का फकीर, जानेंगे अगले एपिसोड में, जो है मुहावरा स्पेशल। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।